कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में किया गया। इस मौके पर राजीव गांधी जिला स्तरीय द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की समीक्षा की गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आजम अंसारी ने कहा कि राजीव गांधी जिला स्तरीय द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की परीक्षा दिनांक 13 व 14 सितंबर को अपराह्न 3 बजे से 7 बजे तक होने सुनिश्चित पाई गई है, जिसमें 16 से 22 वर्ष तक के छात्र छात्राएं वेबसाइट www.yuvajosh.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तथा लिंक पाने के लिए 9090807010 पर मिस कॉल कर रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट लिंक पा सकते हैं। जो छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में विजयश्री प्राप्त करेंगे उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी के लिए 30 मिनट का समय होगा तथा इसमें 60 प्रश्नों का जवाब देना है। प्रथम पुरस्कार लैपटॉप, द्वितीय पुरस्कार मोबाइल, तृतीय पुरस्कार टैबलेट के अलावा सैकड़ों संतावना पुरस्कार के अलावा सभी प्रतिभागियों को ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। श्री अंसारी ने कहा कि सभी ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम एवं नगर निगम बोर्ड में भी उक्त प्रतियोगिता के संबंध में प्रचार प्रसार कर और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर, महानगर अध्यक्ष हाजी रिजवान कुरैशी, चेयरमैन आजम अंसारी, जिला यूथ अध्यक्ष शाहिद चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए राजीव गांधी प्रतियोगिता का आयोजन जो अब किसे आपके घर बैठे ऑनलाइन, इसमें हम लोगों ने फोन नंबर वेबसाइट नंबर दिए कि बच्चे इसको देखे भरे और ये ज्ञान देना चाहते हैं बच्चों को कि वे जितने बड़े कांग्रेसी महापुरुष हैं उनका साहित्य राजीव गांधी ने क्या दिया हिंदुस्तान में, इंदिरा गांधी ने क्या दिया, जो बार बार ये बीजेपी के लोग बोलते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया। हम कह रहे हैं कांग्रेस के अलावा और लोगों ने क्या दिया, जो कुछ है आज वो आप वो सारी की सारी कांग्रेस की पंचायती राज हो, कंप्यूटर हो, विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, ये सब कांग्रेस है। राजीव गांधी इससे पहले इंदिरा गांधी जी, उससे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित श्री जवाहरलाल नेहरू, आज जो सरकार है वो दूर करेगी हमारी जेबों में जो पैसे हमारी माँ ने बहन ने जोड़ कर रखे हुए उनको चाहिए कि कैसे उनके पास निकाल के उन्हें बैंक का कर्जदार बना दे, उनका घर और मकान व्यापार बैंक के अंदर गिरवी रख दे और कुछ दिन बाद हाथ में आने लगे। कहते हैं ना मोदी तेरे राज में या कटोरा हाथ। अब सर जो GDP इतनी माइनस में चल रही है भारत की, जो कांग्रेस के टाइम पे GDP थी तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर सबसे बड़ा अब मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती, मैं ये बात आप ये कह करूँ इसमें कुछ उसमें दोषी आप लोग आप हमारी बात को टेलीविजन पर नहीं दबा देते हैं। ये सारी GDP BJP के जितने बड़े रईस लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। दो लोग हैं अंडानी अम्बानी, ये GDP को जितना चाहे और बढ़ा दें जितना चाहे घटा दें। कल एक मैं वो देख रहा था, आर्टिकल देख रहा था, मोदी जी कुएं में झांक रहे थे कि भाई GDP कहाँ गई, तो कुएं का पानी बहुत वो था नीचे स्तर पे था। तो भैया जब देख रहे हो झांक रहे हो तो आपको उसमें चिड़ी कर चिड़ी जी भी इस दिन गरीब बच्चों के परिवारों घर में चले जाए, बहन जी दाल खा रही हो सब्जी, वो कह रही है कि दाल खा रही हो सब्जी नहीं, सब्जी क्यों नहीं खा रहे, टमाटर 80 रुपये, आलू 40 रुपये, गोभी 90 रुपये, कौन आदमी सब्जी है। किसी किसी ने गरीब में अपनी बच्ची ने शादी करनी हो 60,000 रुपये तोला सोना, एक तोला गरीब सोना अपने बच्चों को नहीं दे सकता। करोड़ का रेट जिस दिन श्री पूर्व हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने दिया था, जो रेट करोड़ का उस टाइम था 12 में वही रेट आ गया, फर्क यह है उस टाइम डीजल के रेट 45 रुपये, आज मेरे डीजल का रेट आप हमसे बोले जी जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी ने छोड़ा था 63 रुपये डॉलर का रेट और आज इतना डॉलर का रेट, चीजें भी सब चीजें जितना चाहे बढ़ा दें और जितना चाहे